हरियाणा के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने करनाल के बिजली विभाग रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों की समस्याएं सुनते हुए उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। तो हरियाणा सरकार ने लगभग 485 के आसपास सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं और उसमें ऑनलाइन अगर कोई भी अपनी समस्या लोड करवाता है, कंप्यूटर पर लोड कराता है तो तत्काल उसका समाधान उसको मिलता है। फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं लोगों को स्वयं जाकर के जो है उनका समाधान लेना होता है, तो उसके लिए लोगों को इधर उधर न जाना पड़े, इधर उधर परेशान न होना पड़े, तो मैंने निर्णय लिया है अपने कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के कि एक दिन जो है ना करनाल, क्योंकि करनाल के आसपास भी इंद्री विधानसभा के कई काफी गांव भी लगते हैं और दो वार्ड भी जो हमारे नगर निगम के हैं वो भी इसमें पड़ते हैं, तो यहां बैठ करके जो है ना वो समस्याएं सुनी जाए। तो आज का जो है ना हमने जो दरबार लगाया, शिविर लगाया, तो इसी प्रकार से जो है ना लोगों को सूचना दे करके, क्योंकि वो अपनी समस्याएं लेकर के यहां आए और यहां उनका जो अलार्मिंग सिचुएशन है और आने वाले समय में पानी की बड़ी समस्या हो सकती है, पीने के पानी की समस्या हो सकती है, जल को जितना से ज्यादा जो है ना उसको जो उसको बचाया जाए, तो उसके लिए जो है ना एक प्रयास सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है कि जहां पैड्डी का एरिया है, जिस क्षेत्र में लोग पैड्डी ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि पैड्डी के अंदर जो है ना पानी ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा भूमिगत पानी को जो है ना लोग ज्यादा दोहन करते हैं जिसकी वजह से ये जो जल स्तर है वो गिरता जाता है, तो उसको रोकने के लिए, फार्मर को जो है ना मोटिवेट करने के लिए कुछ स्कीम्स जो है ना हरियाणा सरकार ने बनाई है कि जो लोग पैड्डी ना लगा करके और वो मक्का लगाएंगे, मक्के के अंदर जो है ना उनको बीज भी फ्री में दिया जाएगा, 2000 रुपए जो है ना उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, और अब तो मक्के की भी इतनी किस्में आ गई हैं, इतनी अच्छी हाइब्रिड किस्में आ गई हैं।